हेलो दोस्तों दोस्तों ज़िंदगी कभी रुकती नहीं, चलती रहती है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। सबसे पहले तो श्रद्धांजलि इरफान और ऋषि कपूर जी, ये दो महान हस्तियाँ, महान कलाकार हम लोगों के बीच में नहीं रहे। मे गॉड रेस्ट देम इन पीस। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में। हम सभी की श्रद्धांजलि उनके साथ। दोस्तों जिंदगी चलती रहती है और कोरोना लॉकडाउन में लोग वैसे ही परेशान थे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़ास तौर से गूगल की तरफ से दो तीन अच्छी बातें। मैंने कहा चलिए इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूँ ताकि आप सभी लोगों को पता रहे। गूगल ने एक गूगल मीट, एक ऐप था गूगल मीट के नाम से, जिसमें कि आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे। शुरुआत में ये सिर्फ एप्पल और पिक्सल, गूगल का जो फ़ोन आता था पिक्सल, उसके लिए ही यूजफुल था। उसी में आप इंस्टॉल कर सकते थे, उसमें प्री इंस्टॉल आता था। लेकिन अब गूगल ने ये 1 मई से सारे एंड्रॉयड फोन्स के लिए फ्री कर दिया है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके फायदे इतने सारे कि आप एक साथ 250 लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन गूगल ने खोल दिया सभी के लिए इस कोरोना लॉकडाउन के चलते। और दूसरी एक बहुत अच्छा स्टेप गूगल ने उठाया कि वन नेशन इंडिया के नाम से इन्होंने लाइव परफॉर्मेंसेस शुरू किए हैं 30 अप्रैल 1 बजे से, जिसमें बहुत सारे कलाकार एक साथ परफॉर्म करेंगे, सभी का मनोरंजन करेंगे। लोग लॉकडाउन के अंदर बंद है और साथ ही साथ उससे जो अर्निंग होगी वो कोरोना वायरस से पीड़ित जो लोग होंगे उनके फायदे के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए फंड के तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जो मेन मेन कलाकार है वो अब मैंने आपको दिखा दिया, इसमें कौन कौन से कलाकार हैं आप देख सकते हैं। ये सारे कलाकार इसमें परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं, आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं मनोरंजन में। और अगर आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट भी कर सकते हैं, वो सारा कोरोना पीड़ित लोगों के फंड में पहुंचेगा जिससे अंततोगत्वा उनकी सहायता हो सकेगी। और तीसरी बड़ी चीज, 29 मई से लेकर के 7 जून तक 10 दिनों के लिए एक डिजिटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गूगल कर रहा है, जिसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करने, सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके मार्फत आपको टॉप के कलाकारों की लेटेस्ट और पुरानी क्लासिक मूवीज देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया से टॉप की मूवीज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में देखने को मिलती थी। तो इस लॉकडाउन में भी आपके मनोरंजन का, आपके समय व्यतीत करने का और पूरा इंतजाम गूगल ने किया है। तो इसके लिए गूगल और सुंदर पिचई, जो कि उसके सीईओ हैं, और पूरा स्टाफ उनका बधाई का पात्र है, जिसने इस मुश्किल घड़ी में भी आप सभी के मनोरंजन का, आप सभी के समय व्यतीत करने का और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का और एक मौका, जरिया देने का कि हर आदमी पॉजिटिव मूड में रहे, हर आदमी एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो गूगल बहुत सारे इस तरह के एप्स लाता रहता है, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है और इसके साथ साथ बहुत सारे टिप्स भी देता रहता है। इन सारी टिप्स, इन सारी इन्फॉर्मेशन, इन सारी बातों के साथ साथ उम्मीद है आप सभी लोग इस आयोजन का फायदा उठाएंगे और मनोरंजन करेंगे, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं डोनेट भी कर सकेंगे, हेल्प करना चाहते हैं हेल्प भी कर सकेंगे। अंत में एक बार फिर श्रद्धांजलि ऋषि कपूर जी और इरफान के साथ, जो लोग इस लॉकडाउन के अंदर हमसे अलविदा कह गए। बहुत सारे लोग उनकी अंत्येष्टि में नहीं जा पाए क्योंकि कोरोना लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध लगा हुआ है, 20 हजार लोग नहीं जा सकते। तो जो उनके चाहने वाले हैं, दर्शक हैं, उनके परिवार के बहुत से लोग नहीं पहुंच सके, लेकिन हाँ सभी की श्रद्धांजलि उनके साथ है और हमेशा हम सभी की यादों में रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी अपनी श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ इन सब लोगों के साथ साथ उनकी मूवीज, उनके फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए योगदान को, उनके कार्य को देखेंगे, सराहेंगे। बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे सीरियल्स हैं, बहुत सारे योगदान साल दर साल लोगों ने दिया है। साथ ही साथ गूगल के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें भी आप फायदा उठाएंगे उसका और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ रहते हुए कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे, कुछ नया सीख रहे होंगे
और इस लॉकडाउन की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करते हुए घर परिवार के साथ सही तरीके से घर में रह के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, और अपने मोनोटोनी को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, बहुत सारे गेम्स भी आ रहे हैं इसके ऊपर। और अगर समय निकालते हैं तो मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं वो भी देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जानकारी पहले मिले। और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और क्या देखना चाहते हो वो बताइए। और आज समय देने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।